बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। चलिए आज हम सब पढ़ेंगे विषय मैथ्स गणित। क्लास है सेकेंड, पाठ है 4। पाठ का नाम है 10 10 में गिनो, मतलब 10 के समूह में गिनना है। 10 10 के समूह में किसी भी एक चीज़ में 10 चीज़ें होंगी एक समूह में, दूसरे समूह में 10 चीज़ें होंगी, तीसरे समूह में 10 चीज़ें होंगी। चलिए, चूजे और चालाक लोमड़ी। टिकलू किसान के खेत में बहुत सारे चूजे थे। चूजे मतलब कौन होते हैं? मुर्गी के बच्चे। एक दिन एक चालाक लोमड़ी ने इन शरारती चूजों को अपने आसपास खेलते देखा। उस दिन से उसने रोज एक एक कर चूजों को चुराना और खाना शुरू किया। टिकलू को जब ये पता चला तो उसने लोमड़ी से पूछा, क्या तुम खा जाती हो मेरे चूजे? क्या बात करती हो, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? बच्चों, टिकलू को ये सब चीज़ें पता चली तो टिकलू ने लोमड़ी से पूछा कि तुम मेरे चूजों को खा जाती हो, तो वो बोलती है लोमड़ी टिकलू से, क्या बात करती हो, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ। टिकलू ने सुबह और शाम चूजों को गिनने की सोची, लेकिन चूजे तो इधर उधर घूमते रहते थे, गिने कैसे? उसने कहा, मैं 10 10 चूजों को एक एक टोकरी में रख कर गिनूंगी, अगर गिनती कम हुई तो इस लोमड़ी की खैर नहीं। बच्चों, उसने दिमाग लगाया, टिकलू ने कहा, मैं सुबह शाम चूजों को गिनूंगी, लेकिन चूजे इधर उधर भागते रहते थे तो वो कैसे गिने उनको? तो उसने कहा, मैं एक टोकरी में 10 चूजे रखूंगी, दूसरी टोकरी में 10 रखूंगी, तीसरी में 10 रखूंगी, इससे उसको गिनने में आसानी हो जाएगी। बोलती, अगर फिर भी मेरे चूजे कम हुए तो फिर मैं लोमड़ी की खैर नहीं है। अगले दिन सुबह टिकलू ने अपने चूजों को गिना, 10 चूजों से भरी यहाँ कितनी टोकरियाँ हैं? बच्चों देखो, एक टोकरी में कितने चूजे हैं? 10, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ कितनी टोकरियाँ हैं? 5, ठीक है, यहाँ सब मिलाकर कितने चूजे हैं? बच्चों 5 टोकरियाँ हैं, एक टोकरी में 10 है, तो 5 में कितने होंगे? इससे गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 50, बाकी के 1 2 3 और 4, 4 चूजे अपने बाहर अलग से घूम रहे हैं, तो कितने हो गए पूरे? 54, 54 चूजे हो गए, ठीक है। शाम को टिकलू ने फिर चूजों की गिनती की, 10 चूजों से भरी टोकरियां हैं, ठीक है, कितनी है? 5, कुल मिलाकर पचास प्लस 3, 53 चूजे हैं, 54 में से 1 माइनस करेंगे, 53 माइनस करेंगे बच्चे, 1 लोमड़ी खा जाती है। आए बच्चों समझ में? देखिए, शाम को जब टिकलू ने अपनी टोकरी को संभाला तो 10 चूजों से भरी टोकरियां कितनी हैं? 1 2 3 4, देखिए 4 टोकरियां हैं, ठीक है, कुल मिलाकर 4 हैं, तो 4 में कितने होंगे? 1 में 10 है तो 4 में 40 होंगे, इधर करेंगे 40, 40 प्लस 3 चूजे ये बचे, हो गए पूरे 43। जब अपने पास 54 थे इधर कुल, इधर अपने पास 43 ही बच गए, तो लोमड़ी ने कितने खाए? 54 में से 43 अपन घटा देंगे, 4 में से 3 गए 1, 5 में से 4 गए 1, कितने बच्चे बच्चों? 11, 11 लोमड़ी ने खा लिए। आए सबको समझ में बच्चों? ठीक है, बोलो भाई कितने? भानु जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करता और इन्हें बाजार में बेचता है, वह 10 लकड़ियों का एक गट्ठर बनाता है। बच्चों, भानु जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके बाजार में बेचता है, वह 10 लकड़ियों का एक गट्ठर बनाता है। बच्चों, एक गट्ठर में कितनी लकड़ियां हैं? 10,
तीन गट्ठर में कितनी लकड़ियाँ होंगी, तीन में कितनी होंगी, 3 से 10 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, तो यहाँ होंगी 30 लकड़ियाँ। अब ये कितनी लकड़ियाँ हैं कुल, कितनी हो जाएंगी लकड़ियाँ, देखिए बच्चों कितनी लकड़ियाँ हुई, एक बंडल में, दो बंडल में, तीन बंडल में, कितनी हो गई 30। और इनको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 30 प्लस 9 39, ठीक है। गट्ठर का मतलब है, गट्ठर का मतलब है 4 गट्ठर का मतलब कितना हो गया, 40 लकड़ियाँ। ओके देखिए, मालती के घर शादी है, वह फूलों की माला बना रही है, वह 10 फूलों से एक माला बनाती है, यानी कुल मिलाकर कितने फूल हुए। बच्चों यहाँ देखिए, ये देखिए, एक माला, दो माला, तीन माला, चार माला और पांच माला, ठीक है। कितनी माला है, 5 मालाएं हैं, 5 माला में कितने फूल होंगे, 5 माला में 5 को 10 से गुना करेंगे तो 50, ठीक है। और 8 फूल अपने खुले हैं, तो 50 प्लस 8 कितने हो गए, 58, तो यानी कुल मिलाकर 58 फूल है। देखिए ये कितने फूल हैं कुल, तो ये कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। बच्चों 6 माला है, एक माला में 10 फूल है, 6 में कितने होंगे, 6 से 10 को गुणा करेंगे, हो गए 60। और खुले फूल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 खुले फूल हैं, इनको जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 67। तो कुल कितने फूल हुए, 67। देखिए अगर तुम्हारे पास 21 फूल हो तो तुम 10 10 फूलों की कितनी मालाएं बनाओगे। बच्चों 21 फूल है अपने पास कुल, ठीक है, तो 10 10 की कितनी माला बनेगी, एक माला में 10 फूल और एक माला में 10 फूल, कितने हो गए ये, 10 और 10 20, ठीक है, 20 हो गए, और एक अपना खुला फूल रहेगा। तो चलो मालाएं बना के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक फूल अपना खुला है, तो ये हो गए 10, ये हो गए 10 और ये हो गया 1, तो अपन इनको जोड़ेंगे कितने हो गए, 21, ठीक है। कुल पूछे कितनी माला बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 मालाएं बनेगी, 2 मालाएं बनेंगी, ठीक है। बच्चों देखिए, लीला क्या तुम उन पेंसिलों को देख रही हो, ये कितनी है, अगर तुमने सही अंदाज़ा लगाया तो सबकी सब तुम्हारी। चलो लीला की मदद करते हैं, वहाँ 10 पेंसिलों के कितने पैकेट हैं। बच्चों देखिए आप लोगों को 10 पेंसिलों के कितने पैकेट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, चलिए गिनना स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे, 10 पेंसिलों के कितने पैकेट हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 पैकेट हैं, ठीक है, 6 पैकेट है। पैकेट से बाहर कितनी पेंसिलें हैं, 2 इधर है और 2 इधर है, 2 और 2 4, कुल कितनी पेंसिलें हुई। बच्चों देखो 10 पेंसिल यहाँ 10 पेंसिल यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ और 10 यहाँ, 10 10 के कितने पैकेट हुए, 6 6 से गुणा करेंगे आया 60, प्लस 4 पेंसिल अपनी खुली है, तो अपनी कितनी हो गई, 64 पेंसिलें हो गई। बच्चों कनक को अलग अलग तरह की बिंदियों को जमा करने का शौक है। अब यहाँ पूछा उसके पास कितने पैकेट है, देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7 पैकेट हैं। कुल कितनी बिंदियाँ, एक पैकेट में कितनी है, 10 है, तो 7 पैकेट में कितने होंगी, 10 7 को 10 से गुणा करेंगे, 70, यहाँ आएगा 70। हर एक पैकेट में 3 4 3 बिंदियाँ हैं, 3 4 7 7 3 10। अब तुम 10 बिंदियों को समूह
कुछ अलग तरीके से बनाओ। बच्चों कुछ अलग तरीके से समूह बनाते हैं अपन, ठीक है। ये एक पैकेट है, इसके अंदर अपन बिंदी बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बच्चों। आया सबको समझ में? कैसा लगा आप सबको ये वीडियो? ध्यान से देखिए और समझिए। थैंक यू।